सुने भाई, अब जो नहीं अगर आज सीख रहा है ना कल को उसको वो बोले ना अंधेरा कमरा में लाइट बंद करके रोएगा उसका मर्दन मन। अगर आज पढ़ाई नहीं छोड़वाया तब बेटी पढ़ा लो लेकिन मौक मत पढ़ाओ। बेटा एडमिशन लिए गण पे लात मार दी, जीपीएल कर दी उसका गहरे प्यार पे लात। जी नहीं, अब हम सोच लेंगे जब तक मेरा किसी चीज में हो नहीं होगा तब तक हम पढ़ते ही रहेंगे। गण फटी मल हार गए है ना। ये तो बात वही ना हो गया जी कि सात साल अंडा देते सब पहले अपना बच्चा खाता है, तो तुम लोग नौकरी करते था सबसे पहले साल अपने मर्दाने को खाती हो, लात मारती हो, गाली निकालती हो। वो तो नहीं, ये जो मंदबुद्धि जो तुम बोलते हो ना, आप ना पढ़ाई तो बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लिया है। ठीक है, घड़िया से बोल रहे हैं, मुंह में से बोल रहे हैं जी, सूझ रहा है कि नहीं तुमको मेरा बोली? स्ट्रिक्ट बन जाए क्या तुम्हारे लिए? हम लव मैरिज है जिसका मतलब क्या लोटवा नहीं लतिया से मारते रहोगी हमको? एक तो SDO बन के SDM बन के मर्दन को कैसे छोड़ बिजार अभी तक होगी? अब ठोक रहा है, ये भी सोचे थे ना कि आज रूम देखने भी कमा कमा के मेरा जंगिया का रंग उड़ गया है। चले जाएगा ना, तुमको कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अपना ना अभी भी मेरा कुछ नहीं बिगड़, ट्रॉली पैक कर लेंगे अपना और चले जाएंगे मम्मी पापा के यहाँ, समझ में आया ना? हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनल सुहान ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं, हम लोग भी अच्छे हैं। गाइस, अभी दोपहर हो रहा है लेकिन आज शाम का बहुत अच्छा प्लानिंग है, मतलब 2-3 घंटे बाद मेरा प्रैंक शुरू होगा और प्रैंक बहुत मजेदार है, देखना। बहुत ज्यादा कमेंट आया, लगभग 500 से 600 कमेंट आया, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया आप लोग का। बहुत बहुत सारे कमेंट जो भी लोग करते हैं, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, सबको ढेर सारा प्यार। और गाइस, आज का जो वीडियो है ना वो आप लोग देखे होंगे, बेटी पढ़ाओ बी मत पढ़ाओ जो एक प्रैंक था, उसके नीचे बहुत सारा कमेंट आ रहा था, भैया आप सही क्यों, ये क्यों। तो वो सही गलत क्या है वो मैं नहीं जानता, वो अपने अपने इंडिविजुअल एक थॉट होता है, जिसको जैसा अच्छा लगता है वो करता है, उसमें मेरा कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं है। लेकिन हाँ, उस कमेंट को मद्देनजर रखते हुए मैं एक और प्रैंक करने जा रहा हूँ, सेम बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, कि सोनल का पढ़ाई लिखाई आज से बंद और ठीक 2-3 घंटे बाद वो कोचिंग नहीं निकलेगी, मौसम भी थोड़ा खराब है, लेकिन देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है, उसको बोलेंगे नहीं आप मजाक उजाक नहीं कर रहे हैं, आप सही में बंद कर दो। चलिए वीडियो देखिए, आगे मजा आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में, और गाइस प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर करना, बहुत मेहनत लगता है यार ऐसा प्रैंक, 4-5 दिन पे प्रैंक लाने में बहुत मेहनत लगता है यार, बहुत दिमाग खराब होता है, घर में लड़ाई हो जाता है, झगड़ा होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप लोग बिहाइंड द सीन नहीं देख पाते हो। हां, नहीं नहीं जानती हो, इनसे ना बात करना बहुत जरूरी हो गया है। हाँ सोनल, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो यार, घर में रह के ना तैयारी करना ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हाँ, तो तुम भी अपने हस्बैंड से बात करो। हाँ, घर में होके नहीं रहे हो पाएगा। हाँ ये बात तो, देखो तुम्हारे घर में भी हमेशा कुछ ना कुछ, हम देखते हैं तुम भी कुछ ना कुछ करते रहती हो। सही, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, कभी बच्चों का ख्याल रखो, कभी ये कभी वो, तो सही बात है। हाँ अभी हम भी वही सोचे ना, अभी तो कोचिंग के लिए तैयार हो रहे थे, सोचे कि ट्यूशन के बाद उधर से आएंगे ना, कोचिंग क्लास मेरा खत्म हो जाएगा उसके बाद इनसे रात में बात करेंगे। ये बात तो तुम सही बोल रही हो, बिल्कुल सही बोल रही हो, अपने हस्बैंड से बात करो। ठीक है, और हम लोग बाहर कहीं रूम लेके रहते हैं। हाँ रूम लेके, जानती हो उन लोगों को देखती हो जो 2 लड़की आती है, उन लोग रूम लेके ही पढ़ाई करती है और बहुत अच्छा पढ़ती है पता है, उन लोगों का मार्क्स वार्क्स देखती हो सारा कुछ, हम लोग तो 2-4 नंबर से बस छट रहे हैं पता है, घर में कभी ना इतना सारा काम हो जाता है ना, झाड़ू पोछा, तो बाहर रह के बिल्कुल ही हम लोग का हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, हाँ इनसे अभी बात हम करेंगे, आज सोचे हैं बात करने का पता है, जरूरी है। ठीक है, तो चलो ना कोचिंग क्लास में मिलते हैं। ठीक है, आओ हम भी 5 मिनट में निकल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, बाय बाय, चलो क्लास में मिलते हैं। मेरे को जाना पड़ेगा। कौन था जी? वो मेरी फ्रेंड नहीं है ऋतु, जिसका लंबा लंबा बाल है। हाँ जो कोचिंग में जाती है ना। तो कुछ ही तुम लोग बात कर रही थी तो इतना सुनाई दे रहा है कि क्या क्या मतलब अलग से रूम लेके पढ़ोगी, अलग से रूम लेके पढ़ोगी, कुछ ऐसा प्लानिंग कर रही हो? हाँ, ये बहुत दिन से बोल रही थी। ठीक है, और अभी क्या बोल रही हूँ, बाय बाय जाने, अंधड़ पानी बह रहा है बाहर, बाढ़ आ रहा है, तुम लोग इतना पढ़न कूद बन गई हो। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है पता है, आज सर बोले है ना कि एकदम आज का क्लास मत छोड़िएगा, चाहे कुछ भी आए, तूफान भी आए। इतना बड़ा मास्टर हो गया है कि एकदम लगता है कि ये डूबते तैर के आदमी जाएगा, जान तो भीगना बहुत हो ना। पूछो इसलिए ना तुमको बोलना, चलो ना थोड़ा सा गाड़ी कार से छोड़ दो उनको। गांव से नहीं छोड़ दे, कार से छोड़ दे, गांव से नहीं छोड़ दे, कार से छोड़ दे। एक तो इतना खर्चा हो रहा है, कपड़ा लत्ता खाना पीना कोचिंग का फी, स्कूटी का तेल, अब तुमको बाप के हुंडा पे बैठ के जाना है गाड़ी से,
लाज नहीं लगता है कि 500 रुपए का तुम्हारा 2 मिनट का कोचिंग के लिए 1000 रुपए का तेल जला दे हम जाके गाड़ी निकाल के, एक दिन कोचिंग नहीं छोड़ सकती हो, नोट्स इजा रही छोड़ी, इससे कल ले लेना नोट्स वाला। और समझाएंगे जो सर, ठीक है, वो दिमाग में कैसे समझेंगे बताना। 20 साल से पढ़ रही है तो बुद्धि इतना मंद बुद्धि है कि समझ में नहीं आएगा आदमी क्यों क्लास छूट रहा। हम लोग अपना साला 4-4 दिन क्लास छूटा था, एक दिन में नहीं, एक घंटा में नहीं पढ़ जाता तो पूरा सब्जेक्ट। तुम लोग का कौन बुद्धि है, इसीलिए तो नहीं निकाल रहा मंद बुद्धि जा रही है। अब अंधर बाढ़ आयल है, पूरा पानी हाहा पड़ रहा है। ये जो मंद बुद्धि, मंद बुद्धि जो तुम बोलते हो ना, आप अपना पढ़ाई को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लिया है, ठीक है। सब बस बेटा कितना सीरियस है, हम पढ़ेंगे, सुनो, अच्छे से पढ़ेंगे। सुनो बता देते हैं, लास्ट बार तो मजाक कर लिए थे, मजाक में वीडियो बना दिए थे हम, लेकिन अभी हम मजाक के मूड में नहीं, अभी हम भी बात कर रहे थे। विकासवा है ना, उसकी गर्लफ्रेंड भी GPL कर रही है उसको, तो क्या करेगी, क्या करेगी बताना। अरे मेडिकल में हो गया, खाली मेडिकल में बस खाली अथी हुआ है, अभी पूरा डिग्री नहीं मिला, बस एडमिशन मिल गया, कॉलेज मिल गया, तब लात मार दी। इंट्रेंस में हो गया उसका। हाँ इंट्रेंस हुआ ना जी, नीट वाला दी थी ना एग्जाम, तो अच्छा कॉलेज मिल गया डोनेशन वगैरह पे, बस मिलते 7 लाख। बनना तो दूर का चीज है, अभी 4-5 साल पढ़ेगी तब डॉक्टर बनेगी, बस एडमिशन लिया, गांड पे लात मार दी, GPL कर दी उसका, गहरे प्यार पे लात। बेचारा रो रहा था कि बेकार के हम उसको इतना मोटिवेट करते थे कि नहीं जी आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। हम लोग हो गलो, बाप के हो गलो, आपके हो गलो, बाप के हो गलो, आपके हो गलो, मिल गया सुकून, मिल गया उसको। 3 दिन से ऑफिस नहीं आया है, आज जब हमको ध्यान गया ना कि विकास वहां नहीं आ रहा, फोन भी नहीं उठा रहा था, बोला कि जानते हैं भैया उसको क्या हुआ है, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ ना दी, तब काहे छोड़ दी, किसी को बताया, हमको बताया, बताओ अभी साला दिल्ली दूर है, डॉक्टर बनी नहीं है, नीट का बस क्वालिफाइड कॉलेज मिल गया है, उसमें एडमिशन लेके लात मार दी, कहा है तो अब हम तो डॉक्टर आधा बन गए हैं, डिग्री 4 साल तो सब कंप्लीट कर लेता है, लुढ़कते लड़ाते वो डिग्री लग जाएगा MBBS का यहाँ पे एक बोर्ड पे, डॉक्टर बन गई, डॉक्टर शादी कर लेगी, या कॉलेज में कोई लड़का 4 साल में मिल ही जाएगा। चलो ना, बट उसका क्या विकास विकास करते रहते हो, जल्दी चलो, एक तो जो टाइम हो जाता है, चलो जल्दी से छोड़ देना हमको। इसकी माँ का भोला चेहरा, पागल वागल हो गई हो क्या तुम, मतलब हम क्या घड़िया से बोल रहे हैं, मुंह में से बोल रहे हैं जी, सूझ रहा है कि नहीं तुमको मेरा बोली, स्ट्रिक्ट बन जाए क्या तुम्हारे लिए हम, नॉर्मल अगर लव मैरिज है जिसका मतलब क्या लोटवानी लतिया से मारते रहोगी हमको, क्या लोटवानी लतिया से मारते रहोगी हमको, जब बेइज्जती है कोची समझ लो, थाली का बैग अंजाम मन किया उधर नचा दिया हमको, अभी हम तुमको क्या किया जो इतना तुम बरस रहे हो, जब तुम कुछ नहीं किया, तुमको इतना बड़ा एग्जांपल दिए जी, हाँ तो तुम लोग में अभी नहीं कुछ हुआ है तब इतना गुमान है, कल को कुछ बन जाओगी तो क्या गारंटी कि हमको वैल्यू मिलेगा, वैल्यू हम कम नहीं देते हैं बताना, तुम थोड़ा सा, तुम तो अजीब ही बात कर, हर जगह का बात सुन के तुम मेरे ऊपर अप्लाई क्यों करने लगते हो हर चीज में, भाई दुनिया में देखेंगे समाज में सब चल रहा है तो हमको तो डाउट होगा ना भाई कि हम दुनिया से बाहर जी रहे हैं, इसी समाज में जी रहे ना, जो उसके साथ हो रहा है कल को क्या पता जरा गोचर खराब हो मेरे साथ हो जाए, आए एक तो SDO बन के SDM बन के मर्दनों को ऐसे छोड़ भी जा रहा अभी तक होगी, अब भोग रहा है कहाँ रहती हो तुम, सर GQ के नहीं पढ़ाते हैं, करंट अफेयर पढ़ाते ना कि दिन दुनिया में क्या चल रहा है, कौन मास्टर है, बन गए अमरूद साला, बिंदी का लोटा है क्या, एक वो सब्जी बेचने वाला इंस्पेक्टर बनाया वो भी छोड़ दी साला, तोबा 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 था, भी बोलती है कि ज्यादा बोलोगे तो इनकाउंटर कर देंगे, बताओ मर्दानवे को बोलती है इनकाउंटर कर देंगे, बनने के बाद क्रिमिनल का इनकाउंटर करना चाहिए तो मर्दानवे को गोली मारने चली है, कि बोलते चुप रहो हम उसी से शादी करेंगे, अब बेचारा वो क्या करे, सब्जी बेचने वाला बिजनेस व्यापार करके उसको पढ़ाया, रो रहा था लाचार आदमी बेचारा, अब उसे कुश्ती नहीं लड़ने चलेगा, हमको क्यों सुना रहे हो ये सब बात, हमको बताओ तो थोड़ा, तुम एक बोली ऐसा था कितना घटना है, विकास वक्त साथ मेरा साला दोस्त के साथ घट गया के एडमिशन, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा को इंटरव्यू पे जिस दिन जाओगे उस दिन, अरे बनती है यहाँ ना तो दुनिया में सबसे पहले मर्दानवे को लात मारती है, क्या बात कर रहे हो, तुमने हमको बोली क्या कि बात करना आज यार चलेंगे देखने के लिए, देखो यार हम यही देखे आजकल जो औरतियां बन रही है ना अफसर गवर्नमेंट कुछ भी, सबसे पहले उन लोग का मोटिव आजकल हो गया यूनिटी बोल लो कि मर्दानवे को लात मार रही है, ये तो बात वही ना हो गया जी कि 7 साल अंडा देते साहब पहले अपना बच्चा खाता है, तो तुम लोग नौकरी करते था सबसे पहले साल अपने मर्दाने को खाती हो, लात मारती हो, घर निकालती हो, ये भगवान क्या जुलुम है, नहीं भाई हम उस दिन मजाक किए थे सोना, हम देखो अच्छे से बोल रहे पता है बेटी, एकदम छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, तुम पागल हो गए हो क्या, दिमाग में तुम्हारा क्या, मतलब हमेशा मजाक ही के मूड में रहते हो क्या, हां फिर से मजाक कर रहे हो मेरे साथ तुम, पागल हो गए तुझे।
आओ, तुम कोची बोल रही थी कि तुमको स्पेशल रूम चाहिए। वही तो बात है, वही तो बात करना था तुमसे हमको। क्या वो बोल रही थी ना कि हम लोग सोचे है ना कि तू और हम, ठीक है देखे तो मेरे क्लास में दो लड़की का हो गया ना, तो उन लोग भी वैसे ही है थी, ठीक है मैरिड थी, ठीक है यहीं पे पता है क्या इसी यहीं पे रहती थी, ठीक है और अलग से एक रूम ली और आराम से पढ़ी दोनों साथ में, उसका देखो हो गया। वही हम लोग बात कर रहे थे ना, उसका मर्दाना कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्यों दिक्कत होगा उजला होता है, एक बूंद नींबू फाड़ के तार तार कर देता है, दूध का पनीर बना देता है, इस साला एक न्यूज वो तो आँख खोल गया, एक नहीं दो न्यूज पूरा समाज आँख खुल गया। आज भी अगर नहीं सुधरेगा ना आदमी लोग, मर्दाना लोग, हम समझ के चल जाएगा चूल्हा के बाहर। सोचे थे देखने, कमा कमा के मेरा जंगिया का रंग उड़ गया है, जंगिया में छेद छेद हो गया है, आई को दर्द नहीं, पढ़ाई सूझ रहा है, कोचिंग नहीं का फी नहीं भर रहे, आई वो स्पेशल रूम चाहिए, पढ़न पूत बनी है। जी नहीं, अब हम सोच लिए कि जब तक मेरा किसी चीज में हो नहीं होगा तब तक हम पढ़ते ही रहेंगे। गाण फटी मल्हार गाए ना। क्या बकवास है ये, क्या बकवास है कोची, साला यहाँ खाना नहीं जुट रहा है, अथी नहीं जुट रहा है, आ इसको ना स्पेशल रूम में पढ़ते रहना, अंतिम कब तक पढ़ोगी, बुढ़ाड़ी तक पढ़ोगी, जब तक नहीं लिया, आप क्या आप तो 30 साल की हो गई हो, आप कहीं आप पढ़ोगी, 40 साल में निकालोगी, 10 साल नौकरी करोगी, बोलती है जब तक नहीं पढ़े। हमको नहीं पता, हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है अब हम इस चीज को बहुत सीरियसली ले लिए, क्योंकि उतनी मतलब वो मेरे से भी ज्यादा तेज नहीं है वो दोनों, ठीक है उसका आराम से हो गया तो मेरा तो होना ही होना है, ठीक है अब क्योंकि हमने अभी पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहे, ठीक है। तू तो गया बेटे, आराम से हो गया था, मर्दाना को तो लात मारने की प्लानिंग कर ली होगी, तुमको तो बताते हो दोस्त, बताओ हमको हो गया, सबको एक जैसा हो रहता है, कुछ बताना तुम थोड़ा, हम जान रहे हैं नहीं कुछ करें, तुम घर भी होगा मन में, अच्छा वो क्या दोस्त निकाल ली है, क्या बोलते पति को छोड़ देंगे, जी नहीं कभी नहीं बोलेंगे जी नहीं कभी ऐसा कोई बात नहीं बोली कि पति को छोड़ देंगे, आप पति की वजह से तुम लोग कोचिंग कर पा रही है, ठीक है आज निकाल लिया, किसकी वजह से, पति के सपोर्ट की वजह से ना, पढ़ाई लिखाई ना एकदम फुल स्टॉप कर दो, इंग्लिश में फुल स्टॉप मतलब आप चर्चा नहीं करना है, अभी जो जा रही हो ना नहीं जाना है, पानी उनी पड़ रहा है, बिजली उजली गिर रहा है, बैठो आराम से घर में, सर को फोन करके इस सर को बोल रही हूँ, अपने दोस्तों को फोन करके बोल दो नहीं आएंगे, नोट्स उस देना। अच्छा नहीं एक चीज बताओ, ऋतु का भी हस्बैंड है, ठीक है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, और तुम ही को क्या इतना हमेशा चुल मचा हुआ रहता है। ए जी कहा चाह रही हो कि अरेंज मैरिज वाला पति बन जाए, एक बार बोले चुप खामोश एकदम शांत हो जाओ, आए नहीं समझ में आ रहा है बतिया, आए तुम क्या समझ रहे हो, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है हम कोई खराब काम के लिए नहीं तुमसे बोल रहे हैं, मांग रहे हैं परमिशन, अच्छा काम के लिए परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है कल को अगर हम कुछ बनेंगे ना तो तुम भी मेरे ऊपर प्राउड फील कर सकते हो। हम काले प्राउड फील करेंगे तुम पे, कमाओगी तुम, खाओगी तुम, उड़ोगी तुम, आज तो तुम आज प्राउड फील कर रहा हूँ, कल का हमको सपना दिखा रही है, भूतो ना भविष्य असल, अभी अभी भूतकाल में वर्तमान काल में कुछ ना भविष्य का चिंता सपना दिखा रही है, चलो ना छोड़ दो ना पूछो सुन लो आप ज्यादा कर रही हो, टेस्ट है, टेस्ट गया चूल्हा के भाव में, नहीं जाना है टेस्ट फेस्ट देने, तुम्हारा टेस्ट है कि पति का शाम हो गया है 5 बजे नाश्ता पानी दो, आप पढ़ाई लिखाई छोड़ो, कहाँ है दिन भर तो वही करते रहते हैं, पति ही के सेवा में लगे हुए रहते हैं, हम फोन कर कोचिंग में बोल देते हैं कि अब कल से नहीं जाएगी, सोनल को नाम कटवा रहे हैं, क्या पागल जैसा है, क्या पागलपंती कर रहे हो बेवजह, तुम मजाक कर रहे हो क्या, तुम क्या समझ रही हो, हमेशा मजाक करेंगे, उस बार मजाक किए थे लेकिन इतना लोग ना हमको बोलने लगा ना सब कि नहीं नहीं पढ़ाई बंद करवाई, सब बोला हमको पढ़ाई बंद करवाने के लिए, हम सबका बात ज्यादा सुनेंगे, 100 आदमी का बात सुनेंगे, 2 आदमी का बात सुनेंगे, और तुम्हारा घर अगल बगल में रहता ना मेरा ससुराल, तो घींच कर तुमको ले आके तुम्हारे बाबू से पूछते कि यही लगी दिन के हम ही दिन दिखाने के लिए हमको दिए थे बेटी को, घींच के ले जाने का ना तुमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है अपना ना अभी भी मेरा कुछ नहीं बिगड़, ट्रॉली पैक कर लेंगे अपना और चले जाएंगे मम्मी पापा के यहाँ, समझ में आया ना, बाप रे तुम हमको धमकी दे रही हो घर छोड़ने का, तुमको समझ में नहीं आता है ना, घर छोड़ने का धमकी दे रही हो तुम, एक निगेटिव चीज को देख के एकदम सबका दिमाग घूम गया है, अरे बेचारा गांड फट के आधा हो गया, जिसका इसका साला पत्नी छोड़ रही है यार, बात कर रही हो देख रहे थे बाप रे कितना कितना सब लौटा दिया अपनी पत्नी को छुड़वा दिया पढ़ाई पूरा जिंदगी, नहीं नहीं आज तो हम देख लिए तुम्हारा ही रूप गुण रूप तुम्हारा देखे, पूरा जिंदगी साला गांड चीर चीर के हम सबको खिलाए पिलाए पढ़ाए लिखाए आगे भविष्य का प्लानिंग कर रहे हैं, LIC करवा दिए इसका, ये क्या बोलते है घर छोड़ के ट्रॉली लेके चले, आज ये हाल है ये असर है, कल को क्या जरूरत है तुम्हारा गवर्नमेंट सर्विस लगे, तुम बैंक में जाओ
तुम्हारा क्या गारंटी है कि तू हमको तो पहचानोगे नहीं, बोलोगे कौन हो जी तुम, ए बॉडीगार्ड, ए फलना चीज, इसको बाहर निकालो। तो सुनो ना, हम ना उस टाइप की लड़की भी नहीं है, ठीक है? तुमको बहुत अच्छी हाथ वाइट के बोलना का ही संस्कार है, उसी है। हम उस टाइप का आदमी नहीं है कि हम रोएंगे टैटू करके, हम मार थप्पड़ के मुंह ना घुमा देंगे पीछे। पहचानने नहीं कर रही हो? Once more. एक चमेटा में तो होश आ जाएगा। कोचिंग जब पति का मर्जी, शादी के बाद पानी ग्रहण करने के बाद शास्त्र भी बोलता, शास्त्र प्रमाणित बात कर रहे हैं, तो इस भी पति ले रहे हैं। आप नहीं देंगे परमिशन, खत्म, दाइन, फुल स्टॉप। अच्छा एक चीज बताओ, तू ऋतु का हस्बैंड नहीं है क्या? ऋतु का हस्बैंड हस्बैंड नहीं है, तुम ही एक दुनिया में एक हस्बैंड पैदा ले लिए हो। हमको तो लगता है उसका होगा। तुम ही एक कबूतर है, तुम ही एक एकदम वीर हो, एकदम वीर। हम बहुत कपास सुने भाई, अब जो नहीं अगर आज सीख रहा है ना, कल को उसको वो बोले ना अंधेरा कमरा में लाइट बंद करके रहेगा उसका मर्दन मन। अगर आज पढ़ाई नहीं छोड़वाया तब कुछ भी हो सकता है भाई। हम इतना जानते हैं, बेटी पढ़ा लो लेकिन मौक मत पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बीबी मत पढ़ाओ, जो आजकल चल रहा है सब बोल रहा, वो हम ही बोलेंगे भाई। क्योंकि भाई तुम लोग में यार अभी देखो तो इधर देख रहे पंख उखने निकला है कि उड़ के नहीं पार हो जाओ, पढ़ाइया के बाद नौकरिया लगता है यहाँ पंख निकल जाता, उड़ जाती हो। यही सब तुम लोग का है तरीका। 10-20 साल से तो तुम्हारे साथ है, एक एक चीज तुमको मेरे बारे में पता है हर चीज, तो भी तुमको इतना मतलब अभी भी तुम हमको जज ही करते रहते हो 24 घंटा। ये नहीं कि हाँ सुनो चलो बोलते रहे। सुनो बहस ज्यादा हो रहा है, इसको ज्यादा लेंदी नहीं खींचना है, हमको कोचिंग नहीं जाना है, बंद। हाँ कोचिंग जाएंगे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे हम। सुन लो जाके मम्मी पापा को बोल देंगे कि नहीं जाएंगे। मम्मी पापा हम, मम्मी हम तुम्हारा पति है, मम्मी पापा कुछ करेगी, मेरा काम है। आज टेस्ट है ठीक है, जाने दो, फिर नाटक मत करो ठीक है। टेस्ट है, टेस्ट है। सुनो ना ज्यादा नौटंकी मत करो ठीक है, क्या चाह रहे हो कि घर में तमाशा हो जाए, और आज हम है ना तमाशा ही कर देंगे ठीक है। तमाशा करोगी, मारे कन चपड़िया पे चल जाओगी, छपड़िया पे ठीक ना। हम ऐसा बात बोल रहे हैं कि मारपीट उतारो हो, क्या कर रही हो, क्या समझ लियो कि हम वो सब आदमी है कि नारी सशक्तिकरण कुछ ही बोलता है, वुमेन एम्पावरमेंट कुछ नहीं, मार कन चपड़िया लाल कर देंगे, चल जाओगी छपड़िया पे, ठीक ना। डोमेस्टिक वायलेंस क्या, हम पूरा एकदम कत्लेआम कर देंगे, जाके देते खाओ घर से बाहर, डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे। पति तुम शादी क्यों की दीजिए, पहले तुमको बोल के करना चाहिए, बेचारा को अंधेरा में रख दी। बेचारा तो उधर क्या दिखा रहे हो बेचारा, अरे टीवी में वो दिखता है ये बेचारा, कुछ ही नाम है उस डीएम का पति का, वो बेचारा कुछ नहीं क्या पढ़ाया, ये भी तुम उसी पे हो सब पे है, वो भी बेचारा का दुख देख के हमको भी डर लग गया यार, आदमी है। एक दो अगर निकल जाए इतना करोड़ों का करोड़ों आबादी में तो सब गलत हो गया ना। कितना पैसा पढ़ाई छोड़ने का, 1,00,000 रुपया लोगी पढ़ाई छोड़वा दे, 1,00,000 रुपया देंगे पढ़ाई छोड़ने जी नहीं, हमको पढ़ना है ठीक है, हम अच्छे से तुमसे पूछ रहे हैं और परमिशन मांग रहे हैं ठीक है जी। अब समझ में आ रहा है तुम पढ़ाई पे इतना जोर काहे दे रही हो, क्यों? ताकि तुम ना पढ़ लिख के हमको तोड़ सको, इसीलिए जोड़ दे रही हो पढ़ाई पे। तोड़ने का प्लान ही है एकदम, क्या क्या एकदम कुछ भी सोचते रहते हो, कुछ भी बोलते हो। आज विकासवा रो रहा है ना जी, क्या चाह रही हो कि हम भी अंधेरा बाउल उल बंद करके साला दिल जले का गाना सुन के रोते रहे? लिखित में दो साइन करो, एग्रीमेंट करो, कल कोर्ट चल के एग्रीमेंट करो। चलो तुम कोई भी ना दुनिया का कोई भी एग्रीमेंट तुम मेरे से करवा लो ठीक है, हम करने को तैयार। एग्रीमेंट रहेगा कि पूरा जिंदगी में नहीं छोड़ोगी ठीक है, और साथ में बाल बच्चा अगर छोड़ दी सारा तनखा तुम्हारा मेरा, बाल बच्चा भी मेरे पास, भविष्य में जो कुछ होगा सब मेरा, तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, बोल तो दिए 50 बार तो भी तुम समझने को तैयार नहीं, आप समझ गए ना, तो चलो आप छोड़ दो। कोचिंग तो अब नहीं होगा मैडम, कोचिंग खत्म, पढ़ाई लिखाई से अब हमको दोस्ती नहीं है। बोल दे घर में जाके सबको, सुनो ना, बोला मत कि हम तुमको वार्न नहीं किए। अपन बाबू को भी बोलोगे ना तो अब हम हिलेंगे नहीं, जवान का पक्का है, एक जवान, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, दुनिया का कौन ताकत देखे, जाओ बोलो देखते हैं कौन क्या कबाड़ लेगा, मेरा कौन उखाड़ लेगा देखते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी दिखा रही है। पूरा इरिटेट हो गई, उसको नहीं बताया था, उसको लग रहा था इस बार सही है सब कुछ, मिलते हैं आप थोड़ी देर में उसको मनाने के बाद।